माननीय आरसीपी सिंह जी पार्टी में बहुत पुराने समय से लगे हुए हैं। माननीय आरसीपी सिंह जी हरदम पार्टी की मजबूती की चिंता करते रहे हैं और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाया है वो बिहार के हित के लिए ही बुलाया है, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए। और जो आप ये जुटान देख रहे हैं ये सारे के सारे जनता दल यू के कार्यकर्ता हैं, जनता दल यू के समर्पित कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के भी साथ हैं, नीतीश कुमार जी के साथ भी हैं, आरसीपी सर के भी साथ हैं। कहीं पर कोई विवाद पार्टी में नहीं है। लोगों को लगता होगा कि पार्टी में विवाद है, आज हमारा संगठन सड़क पर ये जो दिखाई दे रहा है वो आरसीपी सर का देन है। उनके बलबूते पर लोग अपने से निकल कर इनके स्वागत के लिए आज यहाँ जुटे हुए। आरसीपी सिंह और ललन सिंह के बीच में कोई विवाद है? लोग ऐसा कयास लगा रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आरसीपी सिंह को बना के हटा दिया गया और ललन सिंह को उस पोस्ट पे लाया गया, तो लोग ऐसा कयास लगाते हैं कि कहीं ना कहीं ये दलित वर्सेस सवर्ण को रिझाने की कोशिश है, ऐसा लोगों के मन में रहता है। आप ही लोग से जवाब की उम्मीद करते हैं? देखिए, आज तक पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। माननीय आरसीपी सर जी को केंद्र की मंत्रिमंडल में जाना था और वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आदेश से ही केंद्र के मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, इसलिए वह राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से छोड़े हैं। ललन बाबू भी हमारे पुराने साथी रहे हैं, अगर उनको अध्यक्ष बनाया गया है तो पार्टी में कोई विवाद नहीं है। जो भी विवाद पैदा कर रहे हैं वह गलत पैदा करते। इसलिए पब्लिक को ये मान लेना चाहिए कि जनता दल यूनाइटेड है दोनों तरफ से। ललन बाबू भी संगठन को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं, आरसीपी सर भी संगठन को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं और हर कोई अपने अपने स्तर से संगठन को मजबूत कर रहा है।